Good morning, student. Today in this video we will cover topic food, our basic need of chapter 1, food and health of class 4. So let's start with food, our basic need. We all need food to live, play and stay healthy. Means hum sabhi ko jeevit rehne ke liye, khelne ke liye और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो एंड डू वेरियस एक्टिविटी सच एज प्लेइंग, रीडिंग एंड डांसिंग. मींस फूड हमें विभिन्न गतिविधियां मींस एक्टिविटी जैसे रीडिंग और डांसिंग करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फूड कंटेन different kinds of essential substance that are need by our body. Means bhojan mein vibhin prakar ke essential substance means avashyak padarth hoti hain jo hamare sharir ke liye avashyak hoti hain. These substances are known as nutrients. Means in substance ko nutrients ke roop mein jana jata hai. This is why yahi karan hai ki we should not eat सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे. मीन्स हमें हर रोज एक प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए. द मेन न्यूट्रिएंट इन द फूड आइटम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड आइटम्स में मेन न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. These nutrients can be energy giving food items, body building food items or protective food items. Means ये nutrients energy देने वाले food items में हो सकते हैं, body बनाने वाले food items में हो सकते हैं या हमारे शरीर की disease से protect करने वाले food items हो सकते हैं. Energy giving food items, carbohydrate and fat. Means एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स प्रोटीन. मींस बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स में प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स विटामिन एंड मिनरल्स. मींस प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स में विटामिन एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, next topic we'll cover in next video.